टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा वाले ट्विस्ट से। एक तरफ जहां सीरियल साथ निभाना साथिया में अपनी गोपिका को मनाने के लिए जग्गी लगा रहे हैं ठुमके, जिससे शो में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब कार्तिक और नायरा में होती है बहस। उड़ान में भी आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट जब कमल नारायण ने सूरज का पता न चलने पर गांव वालों का खाना पानी कर दिया है बंद, जिससे चकोर है परेशान। दूसरी तरफ ससुराल सिमर का में अंजलि के ससुर जी को आ गया है पैरालिटिक अटैक, जिससे आ गया है शो में हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ है सीरियल साथ निभाना साथिया के जग्गी यानी टीवी स्टार मोहम्मद नजीम, जो नजर आए सीरियल साथिया में अपने शर्टलेस वाले अवतार में। और फर्स्ट ऑन जूम नजीम ने किया खुलासा सीरियल में शूट हो रहे उनके शर्टलेस सीन के बारे में। मैं बॉडी मैंने सीन भी दिखाई है, पर पता नहीं वो किस तरीके से भी दिखाएं कि नहीं, वो इतना बड़ा सीन नहीं था बॉडी का, उससे मेजर कुछ और था। वो जरूर जो चीज़ थी कि मेरा गोपी का एक सीन है। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए नजीम ने ये भी किया रिवील कि क्या होता है तब जब उन्हें करना पड़ता है उनकी को एक्ट्रेस देवोलीना के साथ शर्टलेस वाला सीन्स। 6-7 साल से कर रहे हैं हम लोग काम, शी इज़ वेरी नाइस, मतलब कभी हमारा कभी कभी पंगा भी नहीं हुआ, तो मुझे वो मतलब ना वो एज एन कॉन्शियस होती है ना मैं होता हूँ। हम प्रोफेशनली बहुत अच्छे काम भी करते हैं, एज एन दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, है ना, तो कभी लगा नहीं। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार नजीम के इस शर्टलेस वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा जब जग्गी ठुमक रहे हैं अपनी गोपिका के साथ। जी हाँ, देखिए कैसे जग्गी ठुमक कर रहे हैं डांस अपनी रूठी हुई गोपिका को इम्प्रेस करने के लिए। वेल, वैसे तो जग्गी के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन बात अगर उनकी गोपिका के दिल में जगह बनाने की हो तो फिर देखिए जग्गी कैसे शाहरुख खान बनकर अपनी गोपिका से कह रहे हैं कि वो ही है उनके सबसे जबरा फैन। तो मैं सोचा कुछ डिफरेंट करके दिखाऊं, और रही बात गोपी को मनाने की, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा, तो मज़ा भी आएगा, इंटरटेन भी हो जाएगा, और देखने लगेगा लोगों को भी हाँ भी कुछ किया है। वैसे एक तरफ सीरियल साथिया में जग्गी अपनी गोपिका को इम्प्रेस करने के लिए लगा रहे हैं ठुमका, वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आता है शॉकिंग वाला ट्विस्ट जब गोपी जग्गी पर काफी भड़क गई और जग्गी पर चिल्लाती है। दरअसल गोपी जग्गी को सिर्फ दोस्त मानती है और उसके दिल में सिर्फ अहम ही है, लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट जब गोपी होती है जग्गी के रूम में उसकी ही बाहों में, और जब गोपी की खुलती है आँख तो जग्गी को अपने इतना करीब देख वो चीख पड़ती है। कि उसके मन में अभी भी अहम जी बसे हुए हैं, और उसने मुझे बोला भी था कि ठीक है मैं शादी करूं, लेकिन मेरे दिल में जो है वो अहम जी है, तुम कीजिए कोई नहीं ले सकता। आगे देखिए आज का बोनस धमाका टीवी पर के स्टार्स का न्यू ईयर प्लान। वेल, जग्गी और गोपी में फाइनली सब कुछ हो गया है ठीक, लेकिन अचानक से किसने रची ये साजिश जिससे आ गई जग्गी और गोपिका में ये दूरियां। तो चलिए जग्गी से ही जानते हैं कि आखिर किसकी है ये साजिश। गोरा जी की साजिश है, उनका पता है, हमें पता है कि उनकी साजिश है जारी, और वही ये सब कुछ कर रहे हैं। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टीवी स्टार मोहम्मद नजीम की डांस रिहर्सल वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सीरियल में करना था जग्गी को डांस, और इसके लिए नजीम ने सेट पर बहाया खूब पसीना अपने डांस रिहर्सल के दौरान, और इसी रिहर्सल के दौरान जग्गी के पैर में हल्की सी आई चोट भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दिया अपना परफेक्ट डांस शॉट। शुरू में मैं नाचता था पर बहुत कॉन्शियस रहता था, तो अभी बहुत ओपनली हो गया हूं, तो देखो तो पता चल जाएगा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा के बीच हो रही है बहस। एक तरफ जहां कार्तिक चाहता है कि शादी के बाद वो अपने परिवार से अलग रहेगा, तो वहीं नायरा चाहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही रहे।
नायरा कार्तिक को समझाती है कि शादी के बाद उन्हें सबके साथ रहना चाहिए, पर कार्तिक उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। दरअसल कार्तिक का पास्ट अब आएगा सबके सामने कि क्यों है उसे अपने ही पिता से नफरत, और यही वजह है कि कार्तिक रहना नहीं चाहता अपने घर वालों के साथ। वो परेशान सी ऐसे खड़ी है और कार्तिक को उसे परेशान देख के परेशानी हो रही है, तो कार्तिक मेरे पास आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तो मैं वो इनडायरेक्टली बात शुरू करती हूँ, और शुरू करते करते कि भाई है, फैमिली साथ होती है तो यू नो सब अच्छा हो जाता है, सब फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है। बोलते बोलते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मैं बोल देती हूँ कि तुम्हारी फैमिली और कार्तिक। And then that angry young man. Later on the show, क्यों हुई चकोर परेशान? कार्तिक और नायरा की जल्द ही शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी होने वाली है। शादी की पहली रस्म रोका सेरेमनी की तैयारियां गोइंका फैमिली में चल रही हैं और सभी हैं बेहद खुश और लगे हुए हैं सारी तैयारियों में। घर में है जश्न का माहौल भी, सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। पहली रस्म होती है रोके की, तो दोनों के रोके की तैयारी शुरू हो चुकी है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ऑन स्क्रीन जो हो रहा है वो तो हमने आपको दिखा दिया। अब देखिए नायरा और कार्तिक की ऑफ स्क्रीन मस्ती। नायरा और कार्तिक दोनों करवा रहे हैं साथ में फोटोशूट। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में दोनों ने करवाया साथ में अपना फोटोशूट और की सेट पर खूब मस्ती। सीरियल उड़ान में चकोर इमली और विवान जाते हैं गांव में, क्योंकि वहां भी कमल नारायण ने सबको परेशान कर रखा है। वो आजाद गंज वालों को खाना पानी तक नहीं देगा जब तक उसे सूरज का पता न चल जाए। जगन चकोर को भी मनाता है कि वो सूरज का पता बता दे कि उसने उसे कहां छुपाया है, मगर चकोर नहीं मानती और परेशान होकर बैठ जाती है। इमली और विवान चकोर को समझाते हैं और मनाते हैं कि वो खाना खा ले, पर चकोर नहीं मानती। मुसीबत ये है कि मैंने सूरज को बचा के कहीं रखा है, गांव वालों को लगता है कि सूरज ने कभी उनके लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, तो वो नहीं चाहते कि मैं एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए उन सबकी जान मुश्किल में आऊँ, तो वो सब मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बहुत डिलेमा में हूँ। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जब अंजलि के ससुर जी को होना पड़ा अस्पताल में एडमिट। जी हां, सिमर की बेटी अंजलि के कारण पैरालाइज्ड हो गए हैं अंजलि के ससुर जी। दरअसल अंजलि अपना ससुराल छोड़कर अपने घर जाने की बात करती है और वही बात सुनकर अंजलि के ससुर को आता है अटैक। ऑल्दो ससुर खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है और वो हैं 80% पैरालाइज्ड। पापा जो है उनको कुछ शौक लगा है, हम जितना भी हुआ सब कुछ हमारे कारण, मतलब जो मैंने हरकतें की उस टाइम में, उनकी तबीयत सडनली बिगड़ गई है और अभी पता चलता है कि वो 80% पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो ये बहुत सैडनिंग है। विक्रम एंड फैमिली आर वेरी सैड। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। एक तरफ जहां ससुराल सिमर का में विक्रम के पिताजी पहुंच गए हैं अस्पताल, वहीं दूसरी तरफ किसी पर मुसीबत पड़े और वहां सिमर ना पहुंचे कैसे हो सकता है। और बात तो अब अंजलि के ससुराल की है, तो बस भारद्वाज परिवार पहुंचा हॉस्पिटल जहां मिली उन्हें ये खबर कि अंजलि के ससुर पैरालाइज्ड हैं। जहां एक तरफ भारद्वाज फैमिली पहुंच गई है हॉस्पिटल, वहीं दूसरी तरफ डीमोनेटाइजेशन के चलते अग्रवाल परिवार यानी कि अंजलि के ससुराल वाले भी गरीब हो गए हैं और उन्हें अब भारद्वाज परिवार अपने घर ले आएगा, यानी सिमर के ससुराल में अब होगा उसी की बेटी अंजलि के ससुराल का बसेरा। हाँ, फिलहाल के लिए हम लोग को ऑफकोर्स सिमर जी आई, उन्होंने बोला कि आप लोग आ सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं जब तक आपके यहाँ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये सब चीज़ें। तो अभी फॉर लाइक फाइन अभी हम लोग करंटली वी विल बी शिफ्टिंग टू भारद्वाज परिवार, टू अग्रवाल, भारद्वाज ना, भारद्वाज परिवार, एंड देन आफ्टर दैट वी डोंट नो व्हाट इज गोना बी हैपनिंग। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत की रजनी पैसों के लिए एक कंपटीशन में पार्ट लेती है जहां उसे ट्रक को पुल करना होता है और जो ट्रक को पुल करेगा उसको 50,000 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग पार्ट लेते हैं पर कोई भी ट्रक को नहीं पुल कर पाता।
रजनी आती है और उस ट्रक को पुल कर लेती है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। रजनी कंपटीशन जीत जाती है, पर जीतने के बाद उसे पैसे नहीं मिल पाएंगे। उसे एक भैंस दे दी जाएगी, जो कि वो अपने घर लेकर चली जाएगी। सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आ गया है टेली टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां सांची घबराई हुई है और वो अपने ससुराल पहुंची है और चुपचाप से नीचे खड़े होकर पत्थर ऊपर फेंकती है ताकि आर्यन बाहर आ जाए। आर्यन और उसके पापा गैलरी में आकर खड़े होते हैं ये देखने के लिए कि किसने पत्थर फेंका है। आर्यन सांची को देख लेता है, मगर उसके पापा नहीं देख पाते और अंदर चले जाते हैं। सांची को पत्थर फेंकते समय मकसूद चाचा पकड़ लेते हैं। वो सांची और आर्यन के प्लान से खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। दरअसल आर्यन और सांची अपनी फैमिलीज को एक करने के लिए अलग अलग रह रहे हैं, पर इस तरह छुप छुप कर मिलते हैं। आर्यन मेरा फोन नहीं उठा रहा है और वैसे भी मैं अपने घर पे हूँ, तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो मैं इसके रूम पे पत्थर मारी हूँ, शायद वो पत्थर से ही वो बाहर आ जाए। समझ के भी मैं रह नहीं सकती मेरे को। हाँ, फोन नहीं उठा लिया तो पत्थर मारने। जब आर्यन नीचे आकर सांची से मिलता है तो सांची उस पर फोन ना रिसीव करने की नाराजगी जताती है और शादी के लिए दूसरी लड़की ढूंढने वाली बात से घबराई हुई होती है, इसीलिए वो आर्यन से रूठ कर उसे मारने लगती है। अब ऐसी सिचुएशन देख आर्यन को सांची को मनाना पड़ता है। आर्यन सांची को गुलाब का फूल देकर मनाता है और फिर दोनों का हो जाता है रोमांस शुरू। आर्यन सांची को इस तरह से खुश रखता है, खुश कर देता है अगर वो नाराज होती है, उसे हर रोज स्पेशल फील करता है। आपको बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे इतनी सारी परेशानियों के बीच, सो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। आज गंगा और कृष्णा अंधेरे में खेल खेल रहे हैं। दरअसल आज गंगा अपनी बेटी कृष्णा को साइन लैंग्वेज सिखा रही है, साथ ही शैडो से बर्ड डॉग बना बना कर दिखा रही है, क्योंकि कृष्णा के नॉट स्पीक, इसीलिए गंगा कृष्णा को साइन लैंग्वेज सिखाती है। और तभी आ जाता है सागर भी, जो कृष्णा के लिए लाया है तोहफा। तोहफे में टैबलेट है, टैबलेट इसीलिए गिफ्ट किया है ताकि कृष्णा अपनी बातें कहकर नहीं बता सकती, कम से कम लिख कर बता दे। वेल, एक तरफ कृष्णा को तो बात कहने का जरिया मिल गया, लेकिन गंगा सागर अपनी बात जुबान पर नहीं ला पा रहे हैं। हमेशा की तरह गंगा इमेजिन कर रही है, मगर एक्चुअल में उसने कहा ही नहीं है। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, जब गंगा मिरर में देखकर चूड़ियां पहन रही है और तभी सागर आता है। वहीं सागर कहता है कि हमारी शादी पापा की वजह से हुई थी, लेकिन अब पापा नहीं। तभी गंगा फ्लैशबैक में ही कह रही है सागर को आई लव यू, और तभी अचानक सपना टूटता है और गंगा के हाथ से सिंदूर गिरता है और सागर सिंदूर की डिब्बी संभालता है और सिंदूर वापस डिब्बी में डालता है। आगे अब आपको लेकर चलते हैं टीवी स्टार सारा खान की एक स्पेशल पार्टी में, जो उन्होंने रखी अपनी छोटी बहन के लिए। जी हां, सारा ने रखी अपनी बहन की बर्थडे पार्टी, जहां पहुंचे इंडस्ट्री के कई सितारे भी। आयरा की बर्थडे के लिए यही कहना चाहूंगी कि टाइम इज फ्लाइंग एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट शी विल बी 17, सो दिस ईयर शी इज टर्निंग 17 एंड व्हिच इज लाइक आई एम अमेज्ड। आई कुडंट बिलीव माय यंगर सिस्टर इज टर्निंग लाइक 17, सो आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी एंड आई विश दैट शी लाइक्स द पार्टी एंड शी इज वेरी स्पेशल फॉर मी, वेरी वेरी स्पेशल, द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन माय लाइफ, सो आई जस्ट वांट हर टू बी हैप्पी ऑलवेज एंड आई एम वेरी हैप्पी बर्थडे। वलाइए अब आपको लेकर चलते हैं एक अवार्ड फंक्शन में, जहां सितारों ने दिखाया अपना डांस वाली अदाओं का जलवा। ट्वेंटी सिक्सटीन खत्म होने वाला है और नया साल 2017 आने वाला है। अब ऐसे में सभी नए साल का स्वागत धूमधाम से करते हैं। सब अलग अलग नए साल का जश्न मनाने की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि सीरियल परदेश की नैना यानी टीवी स्टार दृष्टि धामी ने की है प्लानिंग। आइए जानते हैं खुद दृष्टि से क्या है इनका न्यू ईयर प्लान। फिलहाल आई डोंट नो, आई विल बी वर्किंग, बट ऑफ कोर्स आई विल डू समथिंग विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ बिट फॉर श्योर। आई डोंट नो येट, नीरज ने कुछ तो प्लान किया, बट आई थिंक सूनर और लेटर आई विल गो। I don't believe in New Year resolutions. I think you can pick any day and take a resolution if you want. You don't really need the year to end to take a resolution.
Coming up on the show, Ravi Bani Dulhan. 30 minute ka full recharge. Zoom Tele Top Up. वेल एक तरफ जहां परदेश में है मेरा दिल की नैना का न्यू ईयर प्लान तो आपको पता चल गया, और अब बारी है उनके ऑन स्क्रीन हबी राघव यानी अर्जुन बिजलानी के न्यू ईयर प्लान से आपको अपडेट करवाने की। वेल माय फैमिली इज ऑलरेडी इन गोवा, निया और अयान गोवा पहुंच चुके हैं विद सम अदर रिलेटिव्स एंड मैं उनको ज्वाइन करूंगा 29 नाइट को बिकॉज मैं शूट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, सो आई एम ऑलरेडी सीइंग ऑल द पिक्चर्स एंड आई एम ऑलरेडी मिसिंग अयान एंड निया बोथ। I just can't wait to finish these 2 days of shoot and reach there. आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टीवी स्टार करण पटेल की न्यू ईयर फन ट्रिप वाली न्यूज के साथ। जी हां, देखिए कैसे करण पटेल ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपने फन ट्रिप वाली पिक्स, जिसमें वो अपनी वाइफ अंकिता, अपने फ्रेंड अली गोनी, अनीता हसनंदानी, ऋत्विक धनजानी, आशा नेगी और अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ नजर आ रहे हैं। और करण की ये गैंग पहुंच गई है एम्स्टर्डम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। वेल, करण ने इन पिक्स को पोस्ट करके लिखा ये मैसेज भी, द गैंग लैंडेड एट एम्स्टर्डम, फन ट्रिप, हैप्पी न्यू ईयर। सीरियल में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से आप सभी को एंटरटेन करने वाले टीवी स्टार्स का क्या है न्यू ईयर सेलिब्रेशन का सीक्रेट प्लान, ये बता रही हैं संतोषी, बड़ो बहू और गंगा। न्यू ईयर का ये प्लान है कि उस दिन बिल्कुल मेकअप नहीं करूंगी, आई मीन बिल्कुल सिंपल कपड़े और बिल्कुल मेकअप नहीं, और घर में अकेले अपने साथ, यू नो, अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, से मेरा ही प्लान है, मुझे लग रहा है सिर्फ पार्टी करने का। नहीं, आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई वांट टू पार्टी। आई थिंक न्यू ईयर बहुत ही शोर से और खुशी से, सारे फ्रेंड्स जिनको हो सकता है मैं पूरे साल ना मिली हूँ उनको ज़रूर मिलती हूँ। मैं अपने दादी दादा के साथ रहने जा रही हूँ 2 दिन गुजरात में, दैट्स माई न्यू ईयर पार्टी। क्योंकि बॉम्बे में रह के न्यू ईयर प्लान करना मतलब बहुत स्ट्रेस का काम, क्योंकि 10 लोग 10 अलग अलग प्लान करते हैं और मुझे हेक्टिक न्यू ईयर नहीं चाहिए। करेक्ट। आगे अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल क्वीन है हम की स्टारकास्ट की न्यू ईयर प्लानिंग वाली न्यूज के साथ। जी हां, सीरियल क्वींस है हम की स्टारकास्ट ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया खुलासा अपने न्यू ईयर प्लानिंग का, आप भी सुनिए। पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही हम लोग सेलिब्रेट करते थे, आई मीन मैं, और अभी मेरे भाई की शादी हुई है तो मैं अपने भैया भाभी के साथ स्पेंड करने वाली हूँ ये टाइम। मैं ये प्रेफर करूँगी इस साल कि मैं अपनी क्वींस के साथ ही एंजॉय करूँ, नहीं तो जैसे कि मुझे बीच बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ कि सबके साथ फ्रेंड्स मिलके बीच पे जाए और वहाँ पे धमाका करें। मेरे मोस्टली सारे फ्रेंड्स दिल्ली में हैं तो मैं बस ये प्रे कर रही हूँ कि मुझे दिल्ली की टिकट्स मिल जाए और मैं वहाँ पे जाके खूब सारी मस्ती करूँ। माय फ्रेंड्स हियर फ्रॉम द यूके, सो या आई एम गोना बी विद देम, सो लेट्स सी, क्योंकि ये सारे तो पहले ही प्लान्स बना चुके हैं। मैं तो बोल रही थी यार प्लीज लेट्स जस्ट स्पेंड इट टुगेदर, बट इट्स ओके। Yeah, I was also looking forward कि हम सब साथ में होंगे, पर सबके अलग अलग प्लान्स हैं तो मैं घर पर रहूंगी मम्मी पापा के साथ। आगे अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए नक्श के न्यूज के साथ। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि शो के मेकर्स को नया नक्श मिल गया है जो है एक्टर ऋषि देव। ऋषि पहले सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में नजर आ चुके हैं और अब ऋषि ने हमसे बात की अपने इस नए किरदार के बारे में। जी, नक्श ट्रैकिंग पर गया था, घूमने फिरने गया था और थोड़ा सा लेट हो गया, आपको पता था यंगस्टर्स हैं तो अगर घूमने निकले तो फिर प्रॉपर घूम के आएंगे। सीरियल शक्ति के स्टार्स से मिलने पहुंचे उनके फैंस शो के सेट पर, जिनके साथ इन स्टार्स ने क्लिक कराई पिक्स भी। जी हां, देखिए हरमन यानी कि विवियन डिसीना कैसे अपने फैंस के साथ क्लिक करवा रहे हैं पिक्स, वहीं प्रीतो यानी काम्या भी फैंस के साथ क्लिक करवा रही हैं पिक्स, जिससे उनके फैंस हुए काफी खुश। सीरियल शक्ति में जहां एक तरफ सौम्या, प्रीतो और सुरभि के बीच चल रहा था सीरियस सीन, वहीं ऑफ कैमरा देखिए कैसे शूट के बीच सौम्या यानी रुबीना कर रही हैं काम्या पंजाबी और रोशनी सहोटा के साथ मस्ती।
सीरियल शक्ति की रावी यानी कि गरिमा जैन बनी दुल्हन। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं होता आप खुद देख लीजिए दुल्हन बनी गरिमा का ये वीडियो। देखिए कैसे दुल्हन का अवतार लिया है गरिमा ने। इससे पहले कि आप सोचने लगे कि गरिमा की हो रही है शादी, तो जनाब ये सिर्फ गरिमा ने अपने सोशल हैंडल पर फन के लिए डाला है ये वीडियो, जहां एक तरफ एक था राजा एक थी रानी में चल रहा है रानी और नवाब के बीच कपल डांस। तो वहीं देखिए कैसे इस शॉट के ओके होते ही पूरी टीम मोनिटा के पास पहुंच गई और परफेक्ट शॉट्स को देख रानी और नवाब साहब काफी खुश हुए। आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज बिग बॉस 10 की एक झलक के साथ। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर डाउनलोड द जूम ऐप नाउ।